दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव जो है नजदीक है, तो क्या लगता है कि पंजाब को देखते हुए क्या दिल्ली में भी यही फिर से खुशी एक बार फिर से आएगी? बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग ने कोई डेट ही नहीं दी है, लेकिन जब भी आएगी जीतेगी आम आदमी पार्टी सर। ये पूरा कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 101% सर। मैम क्या कुछ कहोगे आज आम आदमी पार्टी की जो जीत हासिल की है पंजाब में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगी कि एक नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, और भगवंत मान के रूप में हमें दूसरा सीएम पंजाब में मिला है, और आगे आने वाले समय में हम लोग पूरे देश में एक तरह से कैंपेन चलाएंगे कि अब पंजाब जीता है, अब हमें पूरी तरह से दिल्ली के लाल किला भी चाहिए ताकि हम अरविंद जी को पीएम बना सकें जल्द से जल्द, और हम देश की जो हम लोग जो अन्ना आंदोलन के मूवमेंट्स में जो हम लोगों का मोटो था कि किस तरह से हमारा देश बदलेगा और हम किस तरह से भगत सिंह के सपनों को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर पाएंगे, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी पीएम बनेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के या यूपी के? दिल्ली से। दिल्ली से रहने वाले हैं, तो दिल्ली जीती है, अब हम देश जीतेंगे और बदलेंगे भी देश। जिस तरह दिल्ली है बदली है, दिल्ली बदलेंगे देश। बाकी अगले चुनाव में हम यूपी भी जीतेंगे, बिहार में भी रुख करेंगे, साउथ की ओर भी रुख करेंगे, और धीरे धीरे करके पूरे देश में हमारा ये प्लान है। कह सकते हैं कि बीजेपी का खात्मा करने वाली आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से हटा फेंकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जड़ से हटाएंगे। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है जो दिल्ली से ही उसको दिखाया जाता है जो आम आदमी पार्टी कहाँ आगे बढ़ रहा है, जब कांग्रेस को जर कर दिया है बीजेपी को जर करके दिखाएंगे, पूरी स्टेट में हम आएंगे आप धीरे धीरे। अच्छा कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहेंगे पंजाब से? आपको पहले भी उनकी हताशा दिख रही होगी कि जब उन्होंने सीएम का फेस पहले चेंज कर दिया कि भाई एक हम चन्नी जी को ला रहे हैं वो दलित फेस है, उसके बाद चन्नी जी के बयानों से आपको उन्होंने पहले तो उन्होंने वहीं पे हार मान गए थे जब दो सीटों से वो लड़ रहे थे, दो सीटों से लड़ने के बाद उन्होंने अलग 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 बयान देने लगे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, कोई काला है घोड़ा है तो पता नहीं क्या क्या, फिर उधर से कुमार विश्वास जी को आपको पता होगा आतंकवादी हैं वो, खालिस्तान समर्थक है, पता नहीं गंदी गंदी सी सारी राजनीति, गंदी गंदी होनी चाहिए थी उतनी गंदी राजनीति हुई, लेकिन जनता अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने बता दिया कि अरविंद जी क्या है और आगे आने वाले समय में अरविंद जी क्या बनने वाले। ईमानदार पार्टी को वोट जनता ने दिया है पूरे समर्थन के साथ, पूरी समर्थन के साथ एक ईमानदार पार्टी को जनता ने समर्थन दिया और आगे भी देती रहेगी, और हम इस बात से अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम दिल्ली में पहली क्रांति की शुरुआत हुई और जब धीरे धीरे करके वो क्रांति देश की ओर बढ़ हमारे मतलब बढ़ रही है। थैंक यू।